अगले हफ्ते दिल्ली में होने जा रही जी ट्वेंटी की बैठक से पहले राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता और विश्व में भारत के प्रभाव से जुड़ी एक रिसर्च सामने आई है अमेरिकी थिंक टैंक रिसर्च सेंटर के इस सर्वे में दावा किया गया है कि देश में रहने वाले तकरीबन 80 फीसदी भारतीय प्रधानमंत्री मोदी के प्रति सकारात्मक रवैया रखते हैं सीधे शब्दों में कहा जाए हर 10 में से 8 भारतीयों की पसंद प्रधानमंत्री मोदी हैं। इसमें पचपन फीसद भारतीय ऐसे हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को अपनी पहली पसंद बताया है वो उन्हें काफी पसंद करते हैं जबकि 20 प्रतिशत आबादी पीएम मोदी को पसंद नहीं करती या वो उनकी पहली पसंद नहीं है भारत के बाहर लोग प्रधानमंत्री मोदी के प्रति कैसी राय रखते हैं वो उन पर भरोसा करते हैं या नहीं सर्वे में इस सवाल का भी जवाब मिलता है दुनिया के बारह देशों के वयस्क नागरिकों से प्रधानमंत्री मोदी के संबंध में उनकी राय पूछी गई। वैश्विक मामलों में पीएम मोदी की कुशलता पर औसतन 40 प्रतिशत लोग भरोसा नहीं करते वह सैतीस फीसद का कहना है कि उन्हें थोड़ा बहुत भरोसा है सर्वे में शामिल आधा से ज्यादा नागरिकों का कहना है कि उन्हें प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति से जुड़े फ़ैसलों पर भरोसा नहीं है अमेरिका की बयालीस फीसद आबादी ने प्रधानमंत्री मोदी के बारे में नहीं सुना या सर्वे में हिस्सा लेने से मना कर दिया वहीं जापान कीनिया और नाइजीरिया के लोगों को प्रधानमंत्री मोदी की क्षमताओं पर अधिक भरोसा है इसराइल और ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो यहाँ के इकतालीस आबादी ने पीएम मोदी पर भरोसा जताया है इंडोनेशिया दक्षिण कोरिया में प्रधानमंत्री मोदी पर लोगों का भरोसा बरकरार है सर्वे के ज्यादातर परिणाम प्रधानमंत्री मोदी और उनकी पार्टी के पक्ष में खड़े नजर आते हैं इसके बावजूद बीजेपी के नेता इस रिपोर्ट की चर्चा करते नहीं दिख रहे हैं बीजेपी के किसी भी आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर इस रिपोर्ट का जिक्र भी नहीं है प्यो रिसर्च सेंटर की तरफ से जारी किए गए इस सर्वे में कांग्रेस नेता राहुल गांधी का भी जिक्र है रिपोर्ट के मुताबिक नेताओं में भारतीयों की दूसरी पसंद कांग्रेस नेता राहुल गांधी हैं। लगभग दस में से छह भारतीय राहुल गांधी के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं सर्वे में वैश्विक मंच पर भारत के प्रभाव से जुड़े कई निष्कर्ष भी हैं सर्वे के मुताबिक अड़सठ प्रतिशत भारतीयों को लगता है कि वैश्विक स्तर पर भारत का प्रभाव बढ़ रहा है लगभग दस में से सात भारतीयों का मानना है की उनका देश हाल ही में अधिक प्रभावशाली हो गया है वही सर्वे में शामिल दूसरे देशों की बात करें तो भारत के प्रति सबसे सकारात्मक रवैया इसराइल का है यहाँ के इकहत्तर प्रतिशत नागरिकों का कहना है कि भारत के बारे में उनका नजरिया पॉजिटिव है वहीं चीन के प्रति ज्यादातर भारतीयों का रुख आलोचनात्मक है सड़सठ फीसद भारतीय चीन को लेकर नकारात्मक भाव रखते हैं अड़तालीस प्रतिशत भारतीयों को चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग पर बिल्कुल भरोसा नहीं है दस में से सात भारतीयों का नजरिया पाकिस्तान के प्रति नकारात्मक है मात्र उन्नीस भारतीयों का रुख ही सकारात्मक है महिलाओं की तुलना में पुरुष भारतीयों की पाकिस्तान के प्रति नफरत ज्यादा है सर्वे में बताया गया है कि साल 2013 जब पहली बार भारतीयों से पाकिस्तान के संदर्भ में यह सवाल किया गया उनकी तुलना में पिछले 10 सालों में नफरत बढ़ी है प्यू रिसर्च सेंटर ने भारत और भारतीय प्रधानमंत्री के प्रति लोगों की राय जानने के लिए उत्तरी अमेरिका यूरोप मध्य पूर्व एशिया प्रशांत क्षेत्र सब सहारा अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के तेईस देशों के नागरिकों से संपर्क किया रिपोर्ट में भारतीयों के नजरिए को भी दर्शाया गया है जैसे वो अपने प्रधानमंत्री के बारे में क्या सोचते हैं भारत की वैश्विक पोजीशन और दूसरे अन्य देशों के प्रभावों को कैसे मूल्यांकित करते हैं ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब आपको इस सर्वे रिपोर्ट में मिल सकते हैं प्यू रिसर्च सेंटर एक अमेरिकी थिंक टैंक है जो सामाजिक मुद्दों से लेकर डेमोग्राफिक ट्रेंड्स पर जानकारी सामने रखता है, पहले भी संस्था के सर्वे और रिपोर्ट चर्चा में रहे हैं भीमा भाई कारावदारा की कहानी फर्श से अर्श तक पहुंचने की कहानी है उनकी कहानी हर किसी के लिए प्रेरणा है साल उन्नीस में भीमा भाई ने जामनगर छोड़ दिया और सूरत चले आए उस वक्त उनके पास सिर्फ तीन भैंसे और एक गाय थी आज भीमा भाई और उनके तीन बेटे सूरत स्थित एक अल्ट्रा मॉडर्न कैटल फार्म के मालिक हैं और उनके पास साढ़े तीन सौ भैंसे हैं दूध बेचकर यह परिवार हर महीने करीब पांच से सात लाख रुपए का मुनाफा कमा लेता है पशुपालन की वजह से ही यह परिवार आज एक लग्जरी लाइफ जी रहा है और उनके पास एक शानदार घर के साथ साथ कई लग्जरी कारें भी हैं लगातार पड़ते सूखे की वजह से मैं सूरत चला आया वहाँ पानी की कमी के कारण हम कुछ भी उपजा नहीं सकते थे हम हमारे परिवार को दो वक्त का खाना भी नहीं दे पा रहे थे इसलिए मैंने फैसला किया कि, कि किसी ऐसी जगह जाकर रहा जाए जहाँ हमारे पशुओं के लिए कम से कम पानी तो हो शुरुआत में तो हमने यही सोचा था कि गर्मियाँ सूरत में बिताकर हम वापस अपने गाँव लौट जाएंगे लेकिन बाद में हमें ये जगह रहने और बिजनेस करने के लिहाज से अच्छी लगी और हम यहीं रह गए तो ત્યારથી અમે સુરતના વરિયાવા ગામમાં આવી ગયા છે અમે અહીં સુરત કે વરિયાઓ ગામમાં આકર બસ ગય અને અહીં પર રહેતે ہوئے મેરે પિતાને દૂધ કા کاروبار શુરુ કિયા થા ફિર પરિવારને બીસી کاروبار કો આગે બઢાને કા ફેસલા કિયા જબ મેરે પિતાને દૂધ કા કામ શુરુ કિયા થા તો ઉનકે પાસ સરફ 3 ભેસે ઓર એક ગાય થી અબ હમ તીનો ભાઈ એ કામ દેખતે આજ હમારે પાસ 350 ભેસે હૈ पहले हमारा फार्म वरियाओ गांव में था लेकिन अब हमने उसे शेडी गांव में शिफ्ट कर दिया है हमारा संयुक्त परिवार तो से बार इस फार्म को संभालने में हर दिन काफी खर्च आता है इस फार्म में लगभग पचास लोग काम करते हैं एक पशु चिकित्सक हर रोज फार्म का दौरा करता है इस फार्म का हर महीने बिजली का बिल करीब चालीस हजार रुपए तक आता है यहां पशुओं के लिए खास व्यवस्थाएं की गई हैं। सफाई और हाइजीन का बहुत ध्यान रखा जाता है भीमा भाई की कहानी हम सभी के लिए एक प्रेरणा है। बहुत स्ट्रगल इन 35 सालों में हमने बहुत संघर्ष का समय भी देखा है हमने बहुत बुरा वक्त भी देखा लेकिन किसी तरह से हम उस बुरे दौर से उबरने में कामयाब रहे बचपन से ही हम यहां घंटों कड़ी मेहनत करते आ रहे हैं और आज भी ये काम करते जा रहे हैं हमारा फार्म दो एकड़ में फैला हुआ है और हर रोज हमें चौदह से पंद्रह टन भूसे की जरूरत पड़ती है हमारे यहाँ हर रोज दो हजार लीटर दूध निकाला जाता है हम दिन में दो बार अपनी भैंसों को नहलाते हैं जो लोग हमारे फार्म पर काम करते हैं उनके रहने की व्यवस्था भी फार्म के अंदर ही है हमारे यहाँ हर पशु के लिए पंखे की व्यवस्था है हम अपना खुद का डेयरी ब्रांड बनाना चाहते हैं हम दूध को प्रोसेस करके बेचना भी चाहते हैं हमारा प्लान है कि हम पाँच हजार भैंसे पालें એને છે લાઈટ ઓય કરક નો હોય તો અમે જનરેટર પણ રાખેલું છે 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 + 5 સેકન્ડ્સ લિફ્ટ ઓક નોર્મલ પીવન ટ્રેકિંગ

First stage is 139 जैसा कि निर्धारित है ग्राउंडलेड स्ट्रेप को सेपरेट कर दिया गया है और प्रथम चरण का निष्पादन सामान्य है इस घटनाक्रम में अगला एयरलेट स्ट्रेप ऑन को यहां से पृथक कर दिया जाएगा एयरलिट स्ट्रेप ऑन सेपरेटेड जी हाँ इसकी भी पुष्टि हो गई है

the velocity addition in ps2 regime is going to be from 2 kilometers per second to 4.9 kilometers per second. the payload fairing covering the aditya l1 spacecraft has been separated. the current altitude of the launch vehicle is 118 kilometers. relative velocity exceeding 3.8 kilometers per second. जी हाँ यान अब घने वातावरण से बाहर जा चुका है इसलिए उष्मा कवच की जरूरत नहीं रह जाती है और इस कारण इसे से पृथक कर दिया जाता है द्वितीय चरण वर्तमान में प्रणोद उत्पन्न करता हुआ और यान पूरी तरह सामान्य प्रदर्शन करता हुआ अपने अनुमानित पथ की ओर बढ़ रहा है second stage separated third stage ignite द्वितीय चरण को भी सफलतापूर्वक यान से पृथक कर दिया गया है उसके प्रज्वलन काल समाप्त होने पर और तृतीय चरण जो कि ठोस नोदक पर आधारित चरण है इसे इसका प्रज्वलन शुरू हो चुका है वी आर क्लोज टू फाइव मिनट्स पास्ट द लॉन्च टाइम प्रेजेंटली The third stage of PSLV is operational developing nominal thrust. चंद्रयान तीन का रोवर प्रज्ञान चांद की सतह पर लगातार सक्रिय है और हर रोज चांद से जुड़ी दिलचस्प जानकारियां भेज रहा है चांद पर प्रज्ञान रोवर कितनी दूरी तय कर चुका है इसरो की तरफ से इस बारे में जानकारी दी गई है दो सितंबर को इसरो ने बताया कि दूरी के मामले में रोवर ने नाबाद सेंचुरी लगा दी है इसरो का कहना है कि चांद की सतह पर प्रज्ञान रोवर ने अब तक 100 मीटर से ज्यादा की दूरी तय कर ली है और चांद की सतह पर यह सफर अभी जारी है इसरो ने इस जानकारी के साथ एक तस्वीर जारी की है जिसमें रोवर को सीधे जाते हुए देखा जा सकता है इसके बाद रोवर अपना रास्ता बदल लेता है और दूसरी दिशा में मुड़ जाता है इससे पहले 31 अगस्त को इसरो ने बताया कि चंद्रयान तीन के लैंडर विक्रम पर लगे पेलोड इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सिस्मिक एक्टिविटी यानी आई ने चांद की सतह पर भूकंप जैसी प्राकृतिक घटना को रिकॉर्ड किया इसरो का कहना है कि भूकंप 26 अगस्त को आया था और अब भूकंप के सोर्स की जांच की जा रही है इसरो ने यह भी बताया है कि इल्सा पेलोड माइक्रो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम्स यानी एम टेक्नोलॉजी पर आधारित है और ऐसा पहली बार है कि जब चांद की सतह पर इस तरह का उपकरण भेजा गया है चांद पर होने वाले कंपन को इसी उपकरण ने रिकॉर्ड किया है इससे पहले भी विक्रम लैंडर ने चांद और रोवर प्रज्ञान से जुड़ी अलग अलग तस्वीरें और वीडियो भेजी है ऐसे ही एक वीडियो में प्रज्ञान रोवर गोल गोल घूमता हुआ दिखाई दे रहा है इसरो ने चंद्रयान तीन की 23 अगस्त को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग करवाई थी यह है अशोक जाटव जो शिवपुरी जिले के खोरघार गांव में रहते हैं आप इन्हें हर तरह के काम करते हुए देख सकते हैं लेकिन कागजों में इनकी मौत मौत हो चुकी है साल के अशोक को उनकी मौत का तब पता चला जब उनके पास प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत मिलने वाली सालाना छह हजार रुपए की राशि आना बंद हो गई तीन बीघा जमीन के मालिक अशोक का जीवन यापन मजदूरी से होता है उन्होंने सम्मान निधि के लिए विभिन्न स्तरों पर प्रयास किया उन्हें पता चला कि उनकी मौत हो चुकी है इसके बाद जुलाई में उन्होंने कलेक्टर कलेक्टर के 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 पास आवेदन आवेदन दिया। अशोक के लिए अब सबसे बड़ी चुनौती अपने आप को तो जिंदा साबित करने की है। हम चले साहब, साहब, लगा दे, वो बना गए। पर वे आए कुछ नहीं होगा गई

मैं मृत्यु हो गया मैं मर गया कागज में प्रमुख लाभ कैसे मिलेगा मरे हुए आदमी को दे सकता है कुछ जिंदा आदमी को तो काने के लिए तुम वो दे देंगे मरे हुए तुम तुमको तो कालेगा कालेगा आप बताओ तुम पत्रकार हैं मरे हुए आदमी तुम तो क्या लाओगे कालेगा नहीं काले गाएगा तो आप समझ लो इसी तरह का मामला आशाराम और हेमंत रावत का भी है जिन्हें पंचायत ने मरा घोषित कर दिया है खोरखार में ऐसे सात लोग हैं और अगर पूरे इलाके की बात की जाए तो अभी तक छब्बीस लोगों को चिन्हित किया गया है मेरी पंचायत में सात लोग हैं तो वो मृत्यु घोषित कर दें वो हमसे शिकायत करते हैं हमने जिला में भी किया है हमने जनपद में भी निवेदन किया है कि श्रीमान जी जी जो समस्या है वो आते हैं बेचारे उनके पैसे भी नहीं मिल रहे और हर चीज़ से परेशान है वो वो कहते हैं हम जी हैं वो हमारे मृत्यु घोषित कर दिया है तो हमारे सिंग्यान में तो कोई है नहीं है मध्य प्रदेश सरकार की दो योजनाएं हैं जिनमें एक संबल है तो दूसरी निर्माण श्रमिकों का पंजीयन जो भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार मंडल द्वारा किया जाता है इन योजनाओं के तहत पंजीकृत श्रमिक की मृत्यु होने पर अंत्येष्टि सहायता के रूप में छह हजार और अनुग्रह राशि के रूप में सामान्य मृत्यु पर दो लाख और दुर्घटना में मृत्यु पर चार लाख रुपए दिए जाते हैं इसमें भ्रष्टाचार शिवपुरी की जनपद पंचायत में हुआ जहां पर लगभग चौरानबे लाख रुपए इन लोगों की अंत्येष्टि और अनुग्रह राशि के नाम पर निकाल लिए गए मामले में दो मुख्य कार्यपालन अधिकारी दो बाबू और एक ऑपरेटर शामिल थे इसको इस तरह से देखें कि जो पोर्टल पे जो अपलोड कर रहा था जो डेटा एंट्री ऑपरेटर होता है तो उसको यदि किसी तरह से एक्सेस है कि जो उनके ऑफिसर हैं कि उनके आई से जो चीज़ें होनी चाहिए जो पुष्टि होनी चाहिए कोई क्लेम का तो वो एक्सेस भी उसको था जिसके आधार पे वो सारा सब कुछ कर पा रहा था तो जो रिक्वायर्ड उसमें अभिलेख होते थे वो चूँकि अकेला वही कर रहे थे तो वो उन्होंने उन, उसने खुद ही किया और खुद ही उसको क्लियर किया और राशियाँ अलग किसी खाते में अपने परिजनों के खुद के खाते में अपने परिजनों के खाते में राशि उसने ली

लाचार और बेबस रहे ये दोनों इंडस्ट्रीज के रहे कर्मचारी हैं जो बिहार के रोहतास जिले में बने डालमिया नगर सर्वेंट क्वार्टरों में पीढ़ियों से रह रहे हैं लेकिन रोहतास इंडस्ट्रीज के दिवालिया होने और हाल ही में पटना कोर्ट के एक आदेश के बाद इन्हें क्वार्टर खाली करने को कहा जा रहा है ये कहानी सिर्फ एक या दो लोगों की नहीं बल्कि हजारों लोगों की है जो कई पीढ़ियों से रोहतास इंडस्ट्री से जुड़े रहे हैं ये दुर्भाग्य है कि कारखाना बंद हो गया मेरे पिताजी भी यहीं थे उसके बाद में हम भी एम्प्लॉय हो गए तो सौ वर्षों से नाता है हमारा रोहतासी से, लेकिन अब बुरे समय में अब जो क्वार्टर बना घर बना बेटा बेटी के शादी विवाह किए तो हम कहाँ जाएंगे ये बुढ़ापे में कोई पूछता नहीं है सब लोग अनादर की दृष्टि से भी रिश्तेदार भी देखते हैं और हम लोग भी पूरे समय मजदूरों के उत्थान में लगा दिए देखिए पति हमने के पैंतीस वर्ष हमारा इजाइजा हो गई एक क्वार्टर में पैंतीस वर्ष से हम होता नहीं बाबू आप पोस्ट ऑफिस में काम करता तो हम मालिक हमारे अब वह अपने बजा रख बाल बच्चा जन शादी बियाह लड़कन के तहन तो ऐजे से भ जो नाती पोता भैलसन तहन तो ऐजे से भैलसन छोटा छोटा बाल बच्चा बस सोचल कि चलो भाई पेंशन मिलत है लड़का दूनू बेरोजगारी बढ़ कुछ काम धंधा नहीं खसन करत तो चल भाई ऐजा रहु धके सन खइसन लड़कन के पालन पोषण करि सन और दोसर हम का कह बताए हम तो अपने अधीन बने दरअसल रोहतास इंडस्ट्रीज के बंद होने और उसके लिक्विडेशन में जाने के बाद से ही यहाँ रहने वाले लोगों के सिर मुसीबतों का पहाड़ टूट गया किसी कंपनी के लिक्विडेशन में जाने का मतलब होता है उस कंपनी का वैधानिक अस्तित्व समाप्त हो जाना ऐसे में कंपनी की संपत्तियों को बेचकर जो धन प्राप्त होता है उससे बैंक कर्मचारियों और अन्य बकायेदारों को भुगतान किया जाता है और बची हुई राशि को शेयर धारकों के बीच बांटा जाता है रोहतास इंडस्ट्री से जुड़े अलग अलग समूह कोर्ट का दरवाजा खटखटाते रहे हैं हाल ही में पटना हाई कोर्ट के आदेश के मुताबिक इन क्वार्टरों में वैध तरीके से रहने वाले लोगों को भी बाहर निकलना होगा और फिर वे इनकी नीलामी में शामिल हो सकते हैं कोर्ट के आदेश के मुताबिक उन्हें नीलामी की प्रक्रिया में वरीयता मिलेगी लेकिन कोर्ट के इस आदेश ने यहां के वासियों के लिए असमंजस की स्थिति पैदा कर दी है अगर मेरी व्यक्तिगत अनुभव है तो हम यहां के टेनेंट हैं अगर माननीय उच्च न्यायालय कंपनी जज समाको पदाधिकारी हमें निर्धारित मूल्य तय है किए हैं कि आप हमारे आवास में रहिए और भाड़ा दीजिए तो हम उनके किरादार हुए अगर उनके हम किरादार हैं तो हम अनऑथराइज कैसे हुए अवैध कब्जाधारी क्यों है बिजली कनेक्शन उन्होंने दिया एन उन्होंने दिया जब उन्होंने एन दिया तब हमारे यहाँ बिजली लगी तो हम अवैध कब्जाधारी कैसे हुए और भारतीय संविधान में अगर एगारह माह किसी क्वार्टर किसी आवास में किसी ज़मीन में रह गए अगर वह मालिक उस जमीन उस आवास को बेचना चाहता है तो पहला हक तो उसे होता है जो उस आवास में रहता है चालीस वर्षों के बाद अगर यह आदेश मिले कि नहीं पहले आवास आप खाली कीजिए और नीलामी में आइए तो यह क्या उचित है मैं विनम्रतापूर्ण प्रश्न कर रहा हूँ मेरा केवल आग्रह है आप यह भी कर सकते हैं एक उचित मूल मजदूरों के लिए या लोग और भी जो रह रहे हैं और आपको अनवरत भाड़ा दे रहे हैं न्यायालय सबके लिए है हालांकि बीती 29 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने यहां के लोगों को फौरी राहत देते हुए 11 सितंबर तक बेदखली पर रोक लगा दी साथ ही कोर्ट ने कहा कि क्वार्टरों की नीलामी ऐसे हो कि रोहतास इंडस्ट्रीज के पूर्व कर्मियों और परिजनों को हटाए बगैर नीलामी की प्रक्रिया शुरू हो सके रोहतास इंडस्ट्रीज से जुड़े मसलों पर लंबे समय से रिपोर्टिंग करते रहे वरिष्ठ पत्रकार उपेंद्र मिश्र कहते हैं कि जब भी कोई कंपनी लिक्विडेशन में जाती है तो पहली देनदारी मजदूरों की होती है आपको पता ही है जब भी लिक्विडेशन में कोई कंपनी जाती है तो उनके मजदूरों का फर्स्ट लाइविटीज बनता है सेकेंड लाइबिलिटीज सरकार और सप्लायरों का बनता है और थर्ड ला, फोर्थ लाइबिलिटीज में जाते हैं मालिक को मिलेगा तो उनको तो अब सारा बेच करके और उन भुगतान करना है मजदूरों के भी पैसे बकाए हैं रह गए हैं ग्रेजुएटी के पैसे बकाए हैं काम के भी कुछ पैसे अभी तक बकाए पड़े हुए हैं इस बीच क्वार्टर खाली करने का हाईकोर्ट ने आदेश दे दिया है जिसके कारण उनके परिवार के सामने बड़ी समस्या खड़ी हो गई रोहतास इंडस्ट्रीज में लिक्विडेशन प्रभारी की भूमिका निभा रहे एन के वर्मा यह स्वीकार करते हैं कि कंपनी पर लोगों का बकाया है वही पटना कोर्ट से संबद्ध सहायक कंपनी रजिस्ट्रार सह सहायक शासकीय समापक मोहित कुमार से कहते हैं कि कर्मचारियों का सारा बकाया ऑफिशियली पूरा कर दिया गया है अभी जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हुए हैं उसका बेसिस अक्टूबर 2022 का माननीय उच्च न्यायालय पटना का एक ऑर्डर है जिसमें फोर्टीन सेवेंटी वन क्वार्टर्स के एविक्शन की बात की गई है उसके बेसिस पे रिसेंट डेवलपमेंट्स हुए हैं जिसमें अलग अलग याचिकाकर्ता डिवीजन बेंच में भी अप्रोच किए थे और उसके बेसिस पे हमारा एक्शन टेकन रिपोर्ट सबमिट किया गया और हाई कोर्ट के अक्टूबर 22 के ऑर्डर के बेसिस पे ही करंट डेवलपमेंट्स हुए हैं और जहां तक वर्कर्स के ड्यूज की बात है ऑफिशियली सारे पेमेंट्स कर दिए गए हैं इस बीच कई का सामाजिक कार्यकर्ता ये आरोप लगाते हैं कि इस प्रॉपर्टी पर भू माफियाओं की नजर भी है सत्तारूढ़ पार्टी जेडीयू के जिला अध्यक्ष अजय कुशवाहा कहते हैं कि उन्होंने यहां के लोगों की मुश्किलों के बारे में मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है जो हमारे जिला के प्रधारित प्रभारी मंत्री जयंत राज जी उनके पास गए और यहाँ हजारों लोगों का हस्ताक्षर अभियान करके भी हम लोग गए जो माननीय उनके माध्यम से जयंत राज के माध्यम से मुख्यमंत्री जी के कार्यालय में अन आवास पर हम लोग दे चुके हैं हजारों एकड़ में अगर कम से कम सौ एकड़ इन लोगों को जमीन दे दिया जाए तो सौ एकड़ में ये सभी चौदह सौ इकतालीस घर जो है सौ एकड़ में बस जाएंगे फिर भी नौ सौ एकड़ सेल करने के लिए जगह काफ़ी जगह है तो वो बाकी जगह को सेल करें अपने ढंग से सेल करे, इन उस पर कोई नहीं कहना है एक दौर था जब उन्नीस से पहले देश भर से लोग यहाँ आकर काम किया करते थे इस टाउनशिप में रहना और काम करना लोगों के लिए सौभाग्य की बात होती थी लोग यहाँ फैक्ट्रियों में काम करते और परिवार के साथ क्वार्टरों में रहते थे लेकिन जहां से कभी लाखों लोगों के घर चलते थे आज वो जगह खंडहर में तब्दील हो चुकी है